सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ में त्योहार पर यूपी परिवहन निगम के लचर सेवा, त्योहार पर नहीं हो रही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, कई जिलों में बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़। कन्नौज में विसर्जन यात्रा में आए 6 बच्चे गंगा में डूबे, 4 को गोताखोरों ने बचाए, 2 बच्चियां लापता, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू। लखनऊ में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, अंग्रेजी शराब का स्टीकर लगाकर फैक्ट्री में बनाई जाती थी शराब, नकली शराब बेचने वाले गैंग के 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। लखनऊ में FIR दर्ज होने पर भी ले सकेंगे बिजली कनेक्शन, पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने दी जानकारी, उपभोक्ता को सादे कागज पर लिखकर देना होगा घोषणा पत्र। लखनऊ में बचे परिवारों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, प्रदेश में बिजली कनेक्शन से बचे परिवारों को मिलेगा कनेक्शन, प्रदेश में महाअभियान की होगी शुरुआत। औरैया में कलयुगी मामा ने किया मासूम को अपहरण, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हुआ घायल। बाराबंकी में नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जमा करे पर्चा, मोहम्मद सिद्दीकी ने जमा किया पर्चा। फतेहपुर में सिलेंडर गाड़ी पर कंटेनर ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जौनपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को किया बर्खास्त, दवाओं की ब्लैकमेलिंग और वसूली का आरोप। लखनऊ में ईद को लेकर टीले वाली मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद मुबारक, के बाद टीले वाली मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रचार का खाका तैयार, सरकार संगठन प्रचार के जरिए पहुंचाएंगे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना। लखनऊ शहर में कोरोना का कहर, कोरोना के मिले 991 नए मामले, 3 की मौत। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, करंट लगने से 1 युवक की मौत। कानपुर में सीएम योगी के आदेशों का नहीं हुआ पालन, शहर में चल रहा हुक्का बार, पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। अति के शूटर्स के 2 मोबाइल मिले, हत्या के समय बैकअप के लिए 2 मददगार थे, असद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था 1 हमलावर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी ने ईद उल फितर की दी बधाई, मुख्यमंत्री योगी कहा कि यह त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश देता है। महापौर प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह, प्रयागराज में निकाय चुनाव 4 मई को, महापौर के लिए 21 प्रत्याशी मैदान में। यूपी की सभी नगर निगमों और बड़ी नगर पालिकाओं को मथेंगे सीएम योगी, बीजेपी करेंगे धुआंधार प्रचार। अयोध्या में सड़क हादसे में 4 की मौत, 40 घायल, लखनऊ से जा रही बस पर पलटा मार्बल, ट्रस्ट से बड़ा ट्रक, मोड़ पर हुआ हादसा। निकाह से इनकार करने पर प्रेमी मौलवी को चढ़ा थप्पड़, झाड़ फूंक के बहाने युवती से बड़ी थी नजदीकियां, दोनों हो गए थे फरार।
सब्जी विक्रेता के सिर पर ईंट मारकर हत्या। लखनऊ में सब्जी के दाम को लेकर हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। ऊना में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, पहिए के नीचे दबने से युवक की मौत, ममेरा भाई घायल, एक साल पहले हुई थी शादी। मिर्जापुर में सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा स्ट्रांग रूम, राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रेक्षागार ने किया निरीक्षण, कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए हैं। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर आतंकी धमकी, अलकायदा ने कहा हम बदला लेंगे, सात पन्नों का संदेश जारी किया है। युवक की गर्दन काटकर हत्या, मेरठ में लाश व गांव में छोड़कर भागे हत्यारे, सड़क किनारे खून से लथपथ मिली शल्लाश। वेस्ट यूपी के मीट कारोबारी, पुलिस की रडार पर पूर्व मंत्री याकूब की मीट फैक्ट्री हुई सील, शाहिद अखलाक के खिलाफ भी शिकायत। गोरखपुर में नाबालिग छात्रा से रेप, अकेला पाकर घर में घुस गया पड़ोसी, शिकायत तो कि तो आरोपी और उसके घर वालों ने पीटा। बदमाशों का मुखबिर था पड़ोसी, झांसी में बताया था रोजाना लाखों का माल लेकर जाता है सराफा व्यापारी, मुठभेड़ में चारों अरेस्ट। इटावा में निकाय चुनाव का नामांकन प्रक्रिया जारी, भाजपा और बसपा ने नहीं प्रत्याशियों की घोषणा की है। सफीपुर विधायक को गोली मारने की धमकी मिली है। बदायूं में ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर। अंबेडकर में मरीज से इलाज के नाम पर ठगी, बाहर से दवा लाने पर अस्पताल ने मांगे ज्यादा रुपए, पक्का बिल नहीं देने का भी आरोप। सहारनपुर में कोरोना के 5 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 25 पहुंची, घर स्वस्थ होकर लौटे 60 लोग। अलीगढ़ में मेयर की टिकट के लिए सपा में घमासान, कार्यकर्ताओं ने लगाए भेदभाव और अनदेखी का आरोप, कार्यालय पर शुरू किया अनशन। सहारनपुर में नाबालिग बेटी से पिता ने किया रेप, पीड़िता बोली पापा कई सालों से जबरन दुष्कर्म करते, विरोध करने पर पीटते हैं। पद पर भाजपा सपा में टक्कर, पिछले 5 चुनाव में सपा के हार की वजह बनते रहे शरीफ रायनी। अहमदाबाद में एनकाउंटर, 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक समेत असलाह किया बरामद, एक साथी फरार। हसनपुर में कार ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, आग लगने से बाइक जलकर राख, मासूम समेत 3 घायल। अक्षय तृतीया को लेकर प्रशासन अलर्ट, मथुरा वृंदावन में उमड़ेगी भीड़, डीएम और एसएसपी ने अफसरों को सुरक्षा के लिए टिप्स दिए। बलिया में सड़क किनारे पड़ा मिला बुजुर्ग का शव, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे गड्ढे में पड़ा था, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।
भदोही में टिकट को लेकर सपा में घमासान, जिलाध्यक्ष ने तरनूम आरा को बनाया था प्रत्याशी, सपा से कांति देवी ने किया नामांकन। बरेली में महिला से रेप वीडियो क्लिपिंग बनाई, महिला बोली 5 माह से वायरल करने की दे रहा था धमकी, आरोपी पर एफआईआर। बलिया एसपी ने चौकी प्रभारी हनुमानगंज को किया सस्पेंड, 11 वर्षीय बालक हत्याकांड का खुलासा होने पर सामने आई थी लापरवाही। गोरखपुर के ब्लैक हॉर्स रेस्टोरेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, 3 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में पाया आग को काबू। मेरठ में युवक की गर्दन रेतकर हत्या, बिजौली की दीपक त्यागी हत्याकांड का था आरोपी, लाश को गांव में छोड़कर भागे हत्यारे। मेरठ में देर रात चाय चस्का में भीषण आग, लोगों ने छत से कूदकर बचाई जान, अस्पताल की डायलिसिस यूनिट भी जली। हाथरस पहुंचा बीएसएफ जवान का शव अलग, अंत्येष्टि स्थल की मांग पर अड़े परिजन, एसडीएम का घेराव, विधायक ने मनाया तब हुआ संस्कार। खीरी में निर्दलीय प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह, बीजेपी से शंभू, कांग्रेस से नसीम है मैदान में। नोएडा में व्यापारी की हत्या, परिजनों का आरोप, रंजिश में मारी गोली, पुलिस की 4 टीम हत्यारोपियों को तलाश रही है। पथुरा के मांड में पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, पकड़ी गई 7 लाख की अवैध शराब, हरी मिर्ची के बोरों से छिपा कर ले जा रहे थे। फरुखाबाद में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या, 32 कैदी सहित 47 पॉजिटिव मिले, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 114। सशस्त्र सीमा बल के जवान भी बीमारी के चलते मौत, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई, लखनऊ में चल रहा था इलाज। सहारनपुर में 600 जगहों पर पढ़ी गई ईद की नमाज, मुल्क की तरक्की की मांगी गई दुआ, नेकी की राह पर चलने का आह्वान। किशोरी से रेप के दोषी को 7 साल की जेल, उन्नाव कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाई सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगाया। फ्रेंचाइजी के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, पीड़ित ने साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत, सोशल मीडिया पर ई कॉमर्स कंपनी का देखा था विज्ञापन। इटावा में आंधी और बारिश में गिरी पेड़ की डाल, महिला की मौत, बिजली के खंभे गिरने से कई गांवों की बिजली हुई आपूर्ति बाधित। जालौन में छप्पर गिरने से मां 2 बच्चों की मौत, तेज हवा से दीवार पर रखा छप्पर गिरा, ईद मनाने पर घर आई बेटी व उसके बच्चों की मौत। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खेत में लगी आग, 3 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत पर आग पर पाया काबू। नशे में घर में पहुंचा पति, झगड़े के बाद दी जान, पत्नी से शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद, आधी रात को घर के बाहर लगाया फंदा। सोसाइटी गेट पर लगे भगवान परशुराम के पोस्टर को फाड़ा, पैसों का लेन देन और आपसी विवाद बता रही है पुलिस, सीसीटीवी में घटना हुई रिकॉर्ड। उन्नाव में कानपुर रिंग रोड निर्माण की कवायद शुरू, 52 गांव की भूमि की जाएगी अधिग्रहित, तो जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य।
दो सिपाही पुलिस लाइन भेजे गए। आजमगढ़ में भाजपा एमएलसी के बेटे के साथ अभद्रता का आरोप, सीओ फूलपुर को जांच का जिम्मा। नोएडा में बनेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट्स बना सकती है प्लान, पहले करेगी ट्रैफिक स्टडी, सीईओ को भेजा गया प्रस्ताव। गर्मी के चलते समाज सेवी संस्था ने लगवाए प्याऊ मटके का लोगों को पिलाया पानी, पालिका के वाटर कूलर हो गए फेल। डीसीपी महिला सुरक्षा ने महिलाओं को किया जागरूक, आत्मसुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में दी जानकारी, कहा महिला विकास में अहम भूमिका निभाती है। रेणु प्राधिकरण के 4338 करोड़ के बजट पर लगाई मुहर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1244 करोड़ होगा खर्च, जमीन अधिग्रहण पर 1000 करोड़ का रखा गया लक्ष्य। सीतापुर में हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। झांसी में बारिश के साथ गिरे ओले, समथर क्षेत्र के 6 गांवों में फसलों को हुआ नुकसान। भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बहन का गला घोटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती, बहन के नाम जमीन दर्ज होने से नाराज था। बांदा में रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी जोड़े का शव, ट्रैक पर पड़े थे शव के टुकड़े, शरीर का हर हिस्सा था अलग। बिजनौर में पढ़ी गई ईद की नमाज, सड़क पर नहीं हुई नमाज, निकाय चुनाव की कई प्रत्याशी वहां पर मौजूद रहे। रायबरेली में एसपी कार्यालय पर बच्चों ने मनाया पृथ्वी दिवस, चेहरे पर चित्र बनाकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की, एसपी भी रहे मौजूद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों का नियम ने किया निरीक्षण, लखनऊ में होगा खेल महोत्सव का शुभारंभ, देश के विभिन्न क्षेत्रों से एथलीट खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में लेंगे भाग। फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की छापेमारी, 60 टन नकली फॉर्चून रिफाइंड बरामद, टीम ने सैंपल जांच के लिए भेजा। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।